का लैंड ग्रैबर जिन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है और विद इन सुंदरबनी टाउन एक इम्पॉर्टेंट रोड जो सुंदरबनी टाउन को हॉस्पिटल के साथ लिंक करती है उसके ऊपर दुकानें बना रखी है। एज पर दक्षिणा वर्दी डीसी साहब उनको हमने हटाना था, आज पुलिस आई थी, इनको पता लग गया, इन्होंने मेरे क्वार्टर में आके पहले रिक्वेस्ट की, जब मैंने नहीं माना तो मुझे अटैक किया। दिस इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। रवि जी क्या कुछ हथियार भी थे उनके पास? सर झूठ क्यों बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहता, बाद में जो डी भाई उसके बाद मुझे नहीं पता, बट इतना है वहाँ मेरा गिलास पड़ा था उसको तोड़ा, टांके मुझे तीन लगे हैं, इसमें कोई ना कोई शार्प नहीं है। अब मैं ऐसे झूठी कहानी बनाऊं कि रवि जी एक तहसीलदार पर इस तरह का हमला होना क्या लगता है कि कोई ना कोई आज सुंदरबनी में जो आज हमला हुआ है उसके जो हैं वो इनको हाथापाई में आई हैं और अभी इन्हें जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। गंभीर चोटें जो हैं वो इस समय तहसीलदार को, यहाँ रविशंकर तहसीलदार हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि गंभीर चोटें जो हैं वो रविशंकर को यहाँ पर आई हैं, हालांकि इन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए यहाँ पर लाया गया है। रविशंकर जी आप कुछ बताएंगे क्या पूरा मामला हुआ था? रविशंकर जी कुछ क्या मीडिया को बताएंगे क्या हुआ? एक मिनट आप लाओ एक मिनट। ये कहा जा रहा है कि इनके क्वार्टर के अंदर इनको जाकर मारा गया है और इन पर जानलेवा हमला किया गया है। रविशंकर पहले भी और गंभीर रूप से घायल हैं रविशंकर, और ये देखिए गंभीर चोटें रविशंकर जी को यहाँ पर आई हैं। ये कहेंगे आप देखिए किस कदर इन पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया और सुंदरबनी से इन्हें जम्मू मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया। तहसीलदार सुंदरबनी रविशंकर जी से जाने का प्रयास करेंगे। रवि जी यार ये क्या हुआ, मैं तो करना कैंसिल करना है। हां थोड़ा रवि जी आप बताएंगे क्या हुआ, कितने हमला किया था? मैम जी बस एक ही वर्ड का लैंड ग्रैबर जिन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है और विद इन सुंदरबनी टाउन एक इम्पॉर्टेंट रोड जो सुंदरबनी टाउन को हॉस्पिटल के साथ लिंक करती है उसके ऊपर दुकानें बना रखी है। एज पर दक्षिणा वर्दी डीसी साहब उनको हमने हटाना था, आज पुलिस आई थी, इनको पता लग गया, इन्होंने मेरे क्वार्टर में आके पहले रिक्वेस्ट की, जब मैंने